हरियाणा की सियासत में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी कड़ी में फिरोजपुर झिरका में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में गुरुग्राम के प्रत्याशी राविंदरजीत के समर्थन में ये किया गया और जनता से इंद्रजीत को विजय बनाने की अपील भी की गई। हरियाणा की सियासत में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में फिरोजपुर झिरका में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में गुरुग्राम के प्रत्याशी राव इंद्रजीत के समर्थन में किया गया और जनता से इंद्रजीत को विजय बनाने की अपील भी की। मौके पर गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने मंच पर फिरोजपुर झिरका में विजय संकल्प रैली को गर्मजोशी के साथ संबोधित किया। मौके पर गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने मंच पर फिरोजपुर झिरका में विजय संकल्प रैली को गर्मजोशी के साथ संबोधित करते हुए मनोहरलाल खट्टर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मनोहरलाल खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी गर्व की बात है। तो वहीं मेवात को लेकर हमेशा से याद आता है कि मेवात में राजनीतिक नाता पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है, देश का अपना अलग इतिहास रहा है, फिर भी हर बार उम्मीद पर पानी फिरा है, लेकिन इस बार मन में है कि मेरी उम्मीद को जनता अमली जमा पहनाएगी, जिससे न सिर्फ गुरुग्राम के बाशिंदे बल्कि मेवात तक हर वो सुविधा पहुंचेगी जिसका सपना जनता देखती आई है। कि इस बार मेरी उम्मीद को अमली जामा पहना देना, यहां से मेवात से निकाल जीता करके निकालना। और किसके ऊपर ज्यादा उम्मीद मेरी हुई है कि जो मनोहर लाल जी हमारे 10 बरस हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जितने यहां मेवाती, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का कमल थामे है, इन 10 साल के अंदर ही थामे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलता था, ये वास्तविकता है। और वो क्यों थामे कि भाई सबकी सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी हमारे चीफ मिनिस्टर ने चाहा। वही मौके पर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के विकास की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज जो परिवर्तन गुरुग्राम में नजर आता है, विकास नजर आता है, वो गुरुग्राम का भविष्य तय कर रहा है जिसमें आप सभी शामिल हैं। एक समय वो भी था जब आए दिन दंगों की खबरें आया करती थीं, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सरकार में सोच समझकर बैठकर चर्चा की जाती है, इसलिए जनता को उसे ही चुनना चाहिए जो उनके हित के बारे में सोचे। गुड़गांव में आते थे और ये सड़कें इस टाइप की नहीं थी जैसे आज चमकती हुई सड़कें हैं, उस समय गुड़गांव बहुत पिछड़ा हुआ होता था, लेकिन आज चमाचम इतना विकास हुआ है। और आज जो उन्होंने वाक्य आखिर में प्रयोग किया, आज मनोहर लाल हम तो साथ हैं ही और आपका भविष्य भी साथ है। कि रोजाना खबरें आती थी कि आज यहाँ दंगे हो गए, आज वहां झगड़े हो गए, वो मेरठ में दंगे हो गए, वो अलीगढ़ में दंगे हो गए, दिल्ली में दंगे हो गए, कानपुर में दंगे हो गए, मेवात में भी दंगे हुए, लेकिन मित्रों आज देश भर में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बैठ करके बातों को बहुत ही तरीके से उनको सुलझाया जाता है, उनको सुलझाने में लोग आगे आते हैं, समझदार लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सब आते हैं। बहरहाल चुनावी जोर से इस बार का मुकाबला गंभीर है, देखना होगा जनता इस बार क्या तय करती है। रियर आई टोटल टीवी।